स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 4 में है, वाष्पोत्सर्जन। इसको कहते हैं पौधों द्वारा जल की हानि। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको थ्योरिटिकल वे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें कि पौधे के वायवी एरियल पार्ट जो भी भूमि के ऊपर रहते हैं, तो वायवी हरे भागों से जल का जल वाष्प बनकर उड़ने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दिखा रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसके जो ऊपरी वायवी भाग है इसमें से जो पानी है वो वाष्प बन के निकलता रहता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब ये इसके लिए कैसे हमने सिद्ध किया कि पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि एक पॉटेड प्लांट अर्थात गमले में लगे हुए एक हरे पौधे को ले लेंगे और उसकी मिट्टी के चारों तरफ, मतलब उस गमले पॉट को लेकर के चारों तरफ से हम एक पॉलिथीन या रबड़ की चादर अच्छे से कवर कर देंगे, बांध देंगे। क्यों बांधेंगे? ताकि मिट्टी में जो पानी है उसकी वाष्प भी ना हमको मिले। तो हमने यहाँ पर इसको कंप्लीटली बाइंड अप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट पर रख देंगे इसको, कांच की एक प्लेट पर रख देंगे, एक बड़ी सी प्लेट पर, और इस पर हम कांच का एक बेल जार, बड़ा सा जो रहता है उसको बेल जार बोलते हैं, तो कांच की एक बेल जार से इसको हम ढक देंगे। आप क्या सोचेंगे, और इसको कांच के बेल जार से ढकने के बाद 7 to 8 hours कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे। यहाँ पर धूप शब्द नहीं आया है, तो यहाँ पर हम इसको धूप में रख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम ये टाइम निकल जाता है तो हम देखते हैं कि बेलजार की दीवारों पर, यानी ये वाली दीवार जो इंटरनल साइड जो है बेलजार की, वहां पर हमें पानी की क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदें वाष्प टाइप की जमी हुई दिखाई देती है इनसाइड। ऐसे हमें बेलजार पर ऐसे वाष्प टाइप की, जैसे अपन अभी कांच पर, अभी ठंड के दिनों में अपन जोर से ऐसे बोलते हैं तो क्या होता, भाप जम जाती है ना, इसी प्रकार की भाप हमको इस बेल जार पर जमी हुई दिखाई देगी। जिससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अब जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रंध्री वाष्पोत्सर्जन अर्थात स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्री। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। दूसरा है उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन तने तथा पत्तियों की क्यूटिकल से होकर होता है। जब हम पत्ती या तने की जब लंबी आड़ी काट देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऊपर जो परत होती है वो क्यूटिकल कहलाती है। इस क्यूटिकल के द्वारा होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है उसको हम क्या कहते हैं, उपचर्मी या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये हो गया रंध्री वाष्पोत्सर्जन, यानी स्टोमेटा होते हैं, आपको पत्तियों के स्ट्रक्चर अच्छे से याद होंगे और उसमें आपको स्टोमेटल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से याद होगा। इस प्रकार से स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह पर, इनसे जो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो कि पौधों में बने वातरंध्र, यानी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है बीच बीच में से क्या होती है, यहाँ वातरंध्र बन जाते हैं, लेंटिकल बन जाते हैं, उसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हमने समझा वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार का, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकल। अब वाष्पोत्सर्जन की हम मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि समझेंगे। तो क्या होता है, हम सबको मालूम है कि जल अवशोषण कैसा होता है, मूल रोमों द्वारा जो अवशोषित जल है, यानी प्लांट, सपोज ये प्लांट है और इसकी ये जड़ है, रूट्स हैं, इन रूट्स में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर, इसको क्या कहते हैं, मूल रोम। तो ये जो मूल रोम है पौधे के तने पे जाएगा, तने से लेके कहाँ तक जाएगा, ये अप टू लीव्स तक ये पानी जो है वो पहुंचता है, मूल रोम से होता हुआ लीव्स तक पहुंच जाता है। तब क्या होता है कि जो लीव्स के अंदर की सेल होती है वो कैसे हो जाती है, टर्जिड। टर्जिड समझते हो आप, एक होता है मान लीजिए कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर जल
आना चालू हो जाता, जीव द्रव्य में जल की मात्रा बढ़ती जाए, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में लाभ एवं हानि। तो लाभ देखें हम, इस क्रिया द्वारा पौधों में आवश्यकता से अधिक पानी वाष्प बन के उड़ता रहता है। दूसरा इन्हें दिया है कि इस क्रिया से रसारोहण में भी सहायता होती, अर्थात प्लांट में जो फ्रॉम रूट से लेकर के शूट तक और लीफ तक जो पानी है वो इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा एक मेंटेन हो जाता है, पूरा पंप इसमें एक पूरा डेवलप हो जाता है। इस क्रिया से पौधे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इस क्रिया द्वारा जल तथा खनिज लवण जो भी मिट्टी में घुले हुए हैं वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। अब हम चलते बच्चों वाष्पोत्सर्जन से हानियां क्या है। लगातार वाष्पोत्सर्जन के कारण भूमि में पानी की कमी हो जाती है। दूसरा, भूमि में पानी की कमी होने वजह से मरुभूमि बनने का खतरा रहता है। तीसरा, पौधे के जीव द्रव्य के गाढ़े हो जाने से पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। जब गर्मियां बहुत पड़ती है तो तेजी से होता है वाष्पोत्सर्जन, तो क्या होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, अंत बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिससे पौधे मर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, उसमें क्या अंतर है। वाष्पीकरण माने क्या अंतर अपन बेसिकली समझें, तो पहला है वाष्पोत्सर्जन एक कार्य की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कार्य की है पौधे की, लेकिन वाष्पीकरण क्या है, एक भौतिक क्रिया है, किसी भी चीज में हो सकती है। हम यहाँ पानी फैला दें, धूप में रख दें, तो उसका भी वाष्पीकरण हो जाएगा। दूसरा, इस क्रिया में पानी वायवी तथा मुख्यतः पत्तियों की सतह से वाष्प बनकर निकलता है, पौधे के जितने एरियल पार्ट है वहां से भाप बनकर निकलता है। यहाँ वाष्पीकरण में देखो, इस क्रिया में पानी किसी भी तरह से वाष्प के रूप में वाष्पित हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तीसरा, यह क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है जो कि रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। वाष्पीकरण में रक्षक कोशिकाएं भाग नहीं लेती। चौथा, यह क्रिया केवल जीवित पौधों में पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन की, लेकिन जो वाष्पीकरण है वो जीवित तथा अजीवित दोनों में होती है। तो बच्चों ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाष्पोत्सर्जन और इससे लाभ हानि और अंतर, इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू बच्चों।